तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवल को। अब अगर आपने इस नोवल के पार्ट 1 को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे सवेन निकलने वाला था उसी समय वहाँ पर मॉस टाइप का एलर आ चुका था जो कि सवेन को लेकर जिंसी के पास लेके आ जाता है, जहाँ पर सवेन को पता चला था कि जिंसी के अंदर एक फायर पॉइजन नाम का एक पॉइजन है और उसे निकालने के लिए सवेन को डाउजिंग लेवल पे जाना था। दूसरी तरफ जिंसी इसके लिए एग्री हो गए थे और उन्होंने सीक्रेट जगह का सवेन को चाबी दे दिया ताकि सवेन वहाँ पर जाकर कल्टिवेशन कर सके। अब कुछ समय के अंदर हेवनली मॉनिट पुल भी ओपन हो गया था जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि अभी के समय हेवनली मॉनिट पुल के अंदर जो एनर्जी जा रही थी वो काफी अच्छी एनर्जी थी। कुछ समय ऐसे होने के बाद वहाँ का माहौल शांत हो चुका था। अब कुछ समय के अंदर वहाँ पर आ जाते हैं जिंसी जिसके आसपास दो डिसाइपल थे। जिंसी सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं आप तुम सभी इंतजार किसका कर रहे हो, जाओ और हेवनली मॉनिट पुल के अंदर कल्टिवेशन करो। अब जिंसी की ये बात सुनते हुए सभी लोग खुश हो गए थे। वो सभी काफी तेज से हेवनली मॉनिट पुल के अंदर एंटर करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम सवेन को देखते हैं जिसने अभी के समय नालिनान को अपनी गोद में उठा रखा था। सवेन नालिनान को एक तरफ उतारते हुए उससे कहता है जहाँ पर एनर्जी दिख जाए वहीं पर कल्टीवेशन शुरू कर देना और इस बात का ध्यान रखना कि तुम ज्यादा एनर्जी वाले जगह पर ना जाओ नहीं तो ये लोग तुम पे भी हमला कर सकते हैं। अब सवेन की इन बातों को सुनने के बाद नालिनान भी इग्नोर कर देती है। वो उससे कहते हैं तुमने जैसा कहा है मैं उस बात को याद रखूंगी। फिर सवेन नालिनान की तरफ देखते हुए एक बार फिर से उससे कहता है जैसे तुम्हारा कल्टीवेशन होता है तुम यहाँ से चले जाना क्योंकि मुझे नहीं पता आखिर मुझे कल्टीवेशन करने में कितना समय लगेगा जिस वजह से तुम यहाँ से वापस चले जाना। अब ये सुनने के साथ ही नालिनान उससे कहती है मैं इस बात की याद रखूंगी और साथ साथ मैं बता दूं अगर तुम्हें कभी भी मास्टर से मिलना है तो तुम फ्लावर सेक्ट आ सकते हो, वहीं पर तुम मास्टर यूनियन से मिल सकती हो। ये कहने के साथ ही वो जल्दी से हेवनली मॉनिट पुल के अंदर एंटर कर लेती है। दूसरी तरफ हम सवेन को देखते हैं जिसके चेहरे पे काफी सारे सवाल थे। सवेन अपने मन में कहता है आखिर यूनियन फ्लावर सेक्ट कैसे पहुंची क्योंकि वो फ्लावर सेक्ट तो काफी पावरफुल सेक्ट है। अब कुछ समय ऐसे सोचने के बाद सवेन अपने मन में कहता है मैं यूनियन के बारे में बाद में रिसर्च कर लूंगा आखिर फ्लावर सेक्ट में यूनियन कैसे पहुंची, लेकिन उससे पहले मुझे हेवनली मॉनिट पुल के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। ये कहने के साथ वो जल्दी से हेवनली मॉनिट पुल के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि आपस में अभी के समय लड़ रहे थे। अब उन सभी को लड़ता देख सवेन अपने मन में कहता है अच्छा हुआ मैं इन सभी के साथ कल्टीवेशन नहीं कर रहा हूँ नहीं तो मुझे भी इन सभी से लड़ना पड़ता। फिर सवेन उन सभी को इग्नोर करते हुए एक साइड में आ चुका था जहाँ पर काफी सारे लावा थी। अब ये देखने के साथ ही सवेन अपने पास से उस की को निकाल लेता है जो की जिंसी ने दिया था। वो उस की को एक तरफ कर देता है जिस वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट जगह खुल गया था, लेकिन जैसे सवेन उस सीक्रेट जगह को ओपन करता है तो उसके अंदर से काफी मात्रा जो की सीधे सवेन की बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर। अब ये देखने के साथ ही सवेन सावधान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करना होगा। ये कहने के साथ ही सवेन ने अपनी चारों तरफ एक ग्रीन लोटस बना लिया। अब सवेन की ग्रीन लोटस की वजह से जो फायर पॉइजन था वो सवेन की बॉडी में एंटर नहीं कर पाती। ये देखने के साथ ही सवेन अपने मन में कहता है ये अच्छी बात है कि फायर पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा नहीं तो इससे मुझे सीरियस इंजरी हो सकती थी। ये कहने के साथ ही सवेन नीचे की तरफ जाने लगता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर उन लोगों पे आ गया जो की अच्छी जगह के लिए लड़ रहे थे और कुछ समय के अंदर वहाँ पर फायर पॉइजन आ चुका था। जब उन सभी को लगता है कि वो सभी इस फायर पॉइजन का सामना नहीं कर सकते तो वो जल्दी से हेवनली मॉनिट पुल के बाहर आ जाते हैं ताकि अपनी जान को बचा सके क्योंकि भले ही ये लोग काफी पावरफुल हो लेकिन फायर पॉइजन का सामना ये लोग नहीं कर सकते थे। अब दूसरी तरफ हम सवेन को देखते हैं जो कि लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। अभी के समय यहाँ पर एनर्जी तो काफी अच्छी थी लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर काफी मात्रा में फायर पॉइजन था। इसमें ऐसे नीचे आने के बाद सवेन एक जगह पे बैठ जाता है जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है। अब सवेन के कल्टीवेशन में बैठते ही आसपास की जो एनर्जी थी वो काफी मात्रा में सवेन की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है और साथ ही साथ जो फायर पॉइजन था वो भी सवेन की बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रीन लोटस ने उसे ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन थोड़ी बहुत फायर एनर्जी सवेन की बॉडी में एंटर कर जाती है और इस वजह से सवेन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन ज्यादा देर तक ये प्रॉब्लम टिकती नहीं क्योंकि ग्रीन फ्लेम लोटस ने उस फायर एनर्जी को मिटा दिया था। सवेन जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है अच्छा हुआ मेरे पास ग्रीन लोटस है नहीं तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि अगर ये फायर एनर्जी थोड़ी देर और रहता तो मेरी सोल काफी इंजर्ड हो सकता था। ये कहने के साथ ही सवेन फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब सवेन को कल्टीवेशन करते करते काफी समय हो गया था और इस बीच सवेन ने काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर ली थी। अब कुछ घंटे के बाद फ्रेम मंत्र भी एक्टिवेट हो गई थी जो कि एक्टिवेट होने के साथ ही सवेन के बॉडी में आसपास की एनर्जी को काफी मात्रा में एब्जॉर्ब करने लगती है और इस वजह से सवेन की एनर्जी बदलने लगती है और धीरे धीरे करते हुए उसे एहसास हो जाता है कि वो डवांग के पिक लेवल पे आ चुका है जिस वजह से सवेन की खुशी की कोई ठिकाना नहीं था। सवेन अपने मन में कहता है अभी मैं डवजोंग से काफी दूर हूँ, लेकिन तभी सवेन के मन में ख्याल आता है कि अब मैं जैसे कल्टीवेशन कर रहा हूँ जैसे सवेन के क्लोन बाहर आता है तो वो काफी मात्रा में आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब दूसरी तरफ ये देखकर तो
साउविन हैरान हो चुका था। साउविन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता नहीं था कि, और जहाँ तक रही फायर पॉइजन की बात, तो वो साउविन की क्लोन बॉडी के अंदर इसलिए नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसके अंदर अभी फोलमार्ट फ्लेम था जो कि अभी के समय साउविन की इल्यूजन बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था और इसी वजह से फायर पॉइजन उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ साउविन अपनी क्लोन बॉडी को देखकर अपने मन में कहता है, अच्छी बात है मैंने थोड़ा सा फोलमार्ट फ्लेम अपनी इल्यूजन बॉडी के अंदर डाल दिया था और इसी वजह से अभी के समय वही प्रोटेक्ट कर रही है मेरी क्लोन बॉडी को। और जहाँ तक रही मेरी इल्यूजन बॉडी की कल्टीवेशन की, तो वो कुछ ही समय के अंदर काफी पावरफुल बन जाएगा। ये सब सुनने के साथ ही साउविन फिर से बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए क्योंकि उसे जल्द से जल्द डाओजोंग लेवल पे भी जाना था। कल्टीवेशन करते हुए साउविन अपने मन में कहता है, अगर मैं एक बार डाओजोंग लेवल पे पहुंच जाऊँ तो मैं उस फेटी आंसर का भी मुकाबला कर पाऊंगा। साउविन का इतना कहना ही था उसी समय हमारा सीन शिफ्ट होकर उन दोनों फिगर पे आ जाती है जो की अभी का समय एक पहाड़ पे खड़ा हुआ था। जिनसी हेवेनली मून पूल की तरफ देखते हुए कहते हैं, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं लेकिन साउविन का भी कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ हम माउस ट्रैप के एल्डर को देखते हैं जो की जिनसी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, कहीं उसके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अब उसकी बातों को सुनने के बाद जिनसी जवाब में कहते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि भले ही फायर पॉइजन काफी पावरफुल हो लेकिन फिर भी वो हेवेनली फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी के समय उनकी वॉइस में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी के समय भले वो दिखा रहे हो कि साउविन को कुछ भी ना हुआ हो लेकिन अंदर से वो काफी डरे हुए थे क्योंकि अगर साउविन को कुछ भी होता है तो उनका भी बचना लगभग असंभव हो जाएगा। और जहाँ तक रही मिस फेंग और बाकी लोगों की, तो वो 5 दिन कल्टीवेशन करके यहाँ से चले गए थे, जिसके साथ ही हमारा ये नोवेल यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।